आप सीखेंगे एग्रीगेट फंक्शंस इन एसक्यूएल। एग्रीगेट फंक्शंस आर यूज्ड टू इंप्लीमेंट कैलकुलेशन बेस्ड अपॉन अ पर्टिकुलर कॉलम। दीज फंक्शंस ऑलवेज रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। एग्रीगेट फंक्शंस जो है कैलकुलेशन करने के काम आते हैं, जो कि किसी एक कॉलम पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। इन फंक्शंस के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि सम फंक्शन टोटल करने के काम में आता है, एवीजी फंक्शन एवरेज निकालने के काम में आता है, मैक्स फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करने के काम आता है, मीन फंक्शन मिनिमम वैल्यू सर्च करने के काम में आता है, काउंट फंक्शन नंबर ऑफ वैल्यूज को काउंट करने के काम में आता है। तो चलिए इन सभी फंक्शंस, पांचों फंक्शंस को हम एक एक करके प्रैक्टिकली उनको रन करके देखते हैं कि आखिर ये फंक्शन काम कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सम फंक्शन है। दिस फंक्शन इज यूज टू फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम। इसकी सहायता से हम कॉलम किसी कॉलम के टोटल वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जैसे सिलेक्ट सम फीच फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट के जो कॉलम है फी, उसका हम सम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्वेरी लिखनी पड़ेगी, सिलेक्ट सम फीच जो कि कॉलम नेम है फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखिए हमारी ये टेबल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट से हमने इस टेबल को निकाल लिया है, फीज है और हमें इन सभी फीज का टोटल फाइंड करना है। तो हम कैसे इसकी क्यूरी लिखेंगे, हम लिखेंगे सिलेक्ट, चलिए मैं इसको कैपिटल कर लेता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट स्टार फ्रॉम नहीं करते हैं, सिलेक्ट हम करेंगे सम फंक्शन कॉलम नेम है फीज फ्रॉम स्टूडेंट। देखिए तो जो टोटल फी है ये है 16,500, जो कि इस कॉलम का टोटल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवीजी फंक्शन, दिस फंक्शन यूज टू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम। इस फंक्शन की सहायता से हम एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, सिलेक्ट एवीजी फीज फ्रॉम स्टूडेंट, एवीजी फीज 2916 कैलकुलेट हुआ है एवरेज। चलिए हम इसका एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं प्रैक्टिकली। तो आप टाइप करेंगे सिलेक्ट एवीजी फंक्शन कॉलम का नाम है फीज, जिससे कि एवरेज फीस कैलकुलेट हो जाएगी, फ्रॉम टेबल नेम है स्टूडेंट सेमी कॉलम एंटर कर दिया। तो यहाँ पर जो एवरेज फीस निकल कराई है वो है 2750 रुपीज। चलिए अगले फंक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, मैक्स फंक्शन। दिस फंक्शन यूज टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम, या किसी कॉलम के सबसे अधिकतम मान को सर्च कर सकता है या फाइंड करके आपको दिखा सकता है, प्रदर्शित कर सकता है। एग्जाम्पल, इसके लिए आप क्यूरी लिखेंगे सिलेक्ट मैक्स फीज फ्रॉम स्टूडेंट, मैक्स फी है 4500। चलिए ये टेबल है, इसमें मैक्सिमम फी अगर आप देखेंगे तो 4500 है। तो इसको हम कैसे सर्च करेंगे, इसके लिए आप क्यूरी लिखेंगे सिलेक्ट मैक्स कॉलम नेम है फीज फ्रॉम स्टूडेंट सेमी कॉलम कर दिया। तो देखिए मैक्सिमम फीस जो है सर्च होकर हमारे सामने आ गई है और ये है 4500। ठीक है, एक बार हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ये यहाँ पर मिनिमम फी नल है, ठीक है, और 2000 भी है। देखते हैं कौन सी फी सर्च होती है जब हम मिनिमम फंक्शन को यूज करेंगे। तो हमारा अगला फंक्शन है मीन फंक्शन। दिस फंक्शन इज यूज टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर कॉलम। इसकी सहायता से किसी कॉलम की मिनिमम वैल्यू मतलब न्यूनतम मान को आप पता लगा सकते हो। इसके लिए क्यूरी लिखेंगे सिलेक्ट मीन फीज फ्रॉम स्टूडेंट। चलिए प्रैक्टिकली इसको हम करके देखते हैं, सिलेक्ट मीन फीज
फ्रॉम स्टूडेंट स्टूडेंट सेमीकोलन कर दिया। ये देखिए जो मिनिमम फीस है 2000 है, नल यहाँ पर काउंट नहीं होगा क्योंकि नल जो है न्यूमेरिक नहीं है, तो नल की काउंटिंग नहीं होगी। मिनिमम फीस जो निकल कर आ रही है वो है 2000। चलिए अगले फंक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब है काउंट फंक्शन। दिस फंक्शन यूज टू फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज नंबर ऑफ रोज ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम। ये किसी कॉलम में कितनी मान हैं उसको काउंट करके आपके सामने प्रदर्शित करेगा। इस उदाहरण के लिए अगर आप क्यूरी लिखेंगे सिलेक्ट काउंट फीस फ्रॉम स्टूडेंट और सिलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो काउंट फी 6, काउंट एस्ट्रिक 6। चलिए करके देखते हैं। हमें देखना है कि नेम कितने हैं। नेम तो 2, 4, 6 and 7 नेम्स हैं। तो चलिए काउंटिंग करते हैं। सिलेक्ट काउंट, क्या काउंट करना है हमें, नेम कॉलम काउंट करना है। नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल स्टूडेंट, ये तो नेम काउंट हुए हैं 7। अब फी काउंट करते हैं हम, इसमें एक फीस नल है तो 6 आना चाहिए। चलिए हम इसको करते हैं सिलेक्ट काउंट फीज फ्रॉम स्टूडेंट स्टूडेंट। देखिए इस प्रकार से फी जो है 6 है क्योंकि नल के यहाँ पर काउंटिंग नहीं होगी। चलिए अगले फंक्शंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, या ग्रुप बाई को आप पढ़ेंगे इस बार। ग्रुप बाई, ग्रुप बाई, द ग्रुप बाई इज अ क्लॉज दैट एनेबल्स एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन फॉर ग्रुपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। दैट इज ग्रुप बाई क्लॉज इज यूज इन कोलाबरेशन विद द सेलेक्ट स्टेटमेंट टू अरेंज आइडेंटिकल डेटा इन टू ग्रुप्स। दिस ग्रुप दिस क्लॉज इज यूज वेदर एग्रीगेट फंक्शन बाई ग्रुपिंग ग्रुप आर रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्ले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास, सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक कॉमा क्लास फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाई क्लास। तो यहाँ पर हमने काउंट एस्ट्रिक किया है तो काउंटिंग होगी, यहाँ पर काउंटिंग हो जाएगी, सभी रिकॉर्ड्स की काउंटिंग होगी, कॉमा इसके बाद क्लास डिस्प्ले होगी, क्लास डिस्प्ले हो जाएगी फ्रॉम स्टूडेंट से ग्रुप बाई क्लास। हम क्लास को ग्रुप बाई करेंगे मतलब 11 का एक ग्रुप बन जाएगा और उसमें काउंटिंग हो जाएगी कि उसमें 2 स्टूडेंट्स, क्लास 12 में ग्रुपिंग हो जाएगी और उसकी काउंटिंग हुई है 3, और क्लास 10 का ग्रुप बनेगा और उसकी काउंटिंग हो जाएगी 1। चलिए ये हमारी टेबल है, हम इसको क्लास 10 में 1 स्टूडेंट है, क्लास 12 में 3 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 11 में 2 स्टूडेंट्स, 9 में 1 स्टूडेंट है। तो इसके हम ग्रुप बाई करके काउंटिंग करेंगे किस क्लास में कितने कितने स्टूडेंट हैं। तो इसके लिए हम क्यूरी लिखेंगे सिलेक्ट काउंट, सभी रिकॉर्ड्स को काउंट करना है तो स्टार लगा दिया, कॉमा क्लास, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं इसकी काउंटिंग करनी है। फ्रॉम टेबल नेम है हमारे पास स्टूडेंट स्टूडेंट्स, और ग्रुप बाई हम करेंगे, ग्रुप बाई करना है फीज करेंगे क्लास। देखिए क्लास में क्लास 11 में 2 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 12 में 3 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 10 में 1 स्टूडेंट है, क्लास 9 में 1 स्टूडेंट है। इस प्रकार से ग्रुप बाई जो है उपयोग में लाया जाता है। अगली क्वेरी, डिस्प्ले सम ऑफ फीस फॉर ईच क्लास, सिलेक्ट क्लास, क्लास को सिलेक्ट करेंगे, सम करेंगे फीज का, फी जो कॉलम है उसका सम होगा फ्रॉम स्टूडेंट, लेकिन हम इसमें ग्रुप बाई करेंगे, ग्रुप बाई क्लास, हर एक क्लास की फी का सम हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिकली हम पाइथन में
स्केल में करके देखते हैं। देखिए जैसे कि हम पहले टेबल को ओपन करके देख लें। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट स्टूडेंट, हम चाहते हैं कि क्लास 11 जो कि दो स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ी का टोटल हो जाए और क्लास 12 की फ़ी का टोटल हो जाए, 9 क्लास जितनी है उनका टोटल हो जाए और वो हमें दिख जाए। तो इसके लिए हम टाइप करेंगे सिलेक्ट, हमें चाहिए क्लास कॉमा, सम चाहिए फीस कॉलम का, सम चाहिए है ना, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से ग्रुप बाय हम कर रहे हैं, ग्रुप बाय फीज का हम ग्रुप बना रहे हैं, एंटर। इस प्रकार आप देख पा रहे हो क्लास 11 में जो फी का टोटल है 4500 है, 4500 क्लास 11 में 4500 और ये भी क्लास 11 में भी है, ये 2500 है। क्लास 12 में फी का टोटल जो है 5000 और 3000 है, इनके सेक्शन से अलग है। क्लास 10 का 4000 है और 9 का नल है। नेक्स्ट है हैविंग क्लॉज। एज मेंशन्ड अर्लियर द वेयर क्लॉज इज यूज्ड ओनली टू प्लेस कंडीशन ऑन द सिलेक्टेड कॉलम्स, वेयर एज द हैविंग क्लॉज इज यूज्ड टू प्लेस कंडीशन ऑन ग्रुप्स क्रिएटेड बाय ग्रुप बाय क्लॉज, बिकॉज हियर द वेयर क्लॉज इज नॉट यूजेबल। ग्रुप बाय के साथ वेयर यूज नहीं कर सकते हैं, तो ग्रुप बाय के लिए एक नया क्लॉज हैविंग का इस्तेमाल कर सकते हो आप डिस्प्ले। जैसे कि इस क्वेरी पर ध्यान दीजिए, डिस्प्ले सम ऑफ फीज, यहाँ पर फी का डिस्प्ले करना है, फी की सम का डिस्प्ले करना है, विच इज मोर देन 5000, जिनकी फीस 5000 से ज़्यादा है उन स्टूडेंट्स की फ़ी का सम निकालना है फॉर ईच क्लास, हर एक क्लास के लिए। तो इसमें हम लिखेंगे सिलेक्ट क्लास, यहाँ क्लास जो है ग्रुप बाई होगा, क्लास का 11 का ग्रुप बनेगा, 12 का ग्रुप बनेगा, फिर आप निकालेंगे सम, और सम किसका निकालना है, फीच कॉलम का निकालना है, फ्रॉम स्टूडेंट्स ग्रुप बाई क्लास होगा, ग्रुप बाई क्लास, यहाँ पर ग्रुप बाई क्लास हुआ है, हैविंग सम, यहाँ पर वेयर यूज नहीं कर सकते आप, हैविंग लिखना है, हैविंग सम फीज ग्रेटर देन 5000, जो उसका सम और फी है उसका जो है 5000 से ज़्यादा होना चाहिए। चलिए एक क्वेरी लिखेंगे, तो लिखेंगे आप सेलेक्ट क्लास सम निकालना है फीज कॉलम का, फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास हैविंग सम, सम निकालेंगे फेज का ग्रेटर देन 5000। ये हमारी क्यूरी है, इसको हमने रन कर दिया, तो फी का जो सम है और 5000 से ग्रेटर है, ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं क्लास 11 के लिए और क्लास 12 के लिए, इनकी फ़ी का सम जो है 5000 से ज़्यादा है, इसलिए रिकॉर्ड डिस्प्ले हुए हैं। चलिए अगली क्यूरी की तरफ बढ़ते हैं। अगली क्यूरी में आप पढ़ेंगे डिस्टिंक्ट
द डिस्टिंक्ट कीवर्ड इज यूज टू रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर कॉलम. फॉर एग्जाम्पल डिस्प्ले क्लास इन स्टूडेंट्स टेबल, सिलेक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट, सिलेक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट्स. तो हमने यहाँ पर क्लास जो है सिलेक्ट की है, तो क्लास जो है डिस्प्ले हो रहा है 12, 11. तो हमें इसमें चाहिए, हमें ये पता लगाना है कि इसमें कितनी क्लासेस हैं, कोई क्लास रिपीट नहीं होनी चाहिए. तो डिस्प्ले डिफरेंट क्लासेस फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट, क्लास 12, 11, 12. चलिए इसको देखते हैं. देखिए यहाँ पे क्लास है 11, 12, 12, 10, 12, 11, 9. तो इसको हम डिस्टिंक्ट करके कैसे देखेंगे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट. तो यहाँ पर आपको क्लास डिस्प्ले हो रही है 9, 10, 12, 11. अगले वीडियो में आप सीखेंगे अपडेट कमांड.